गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। आज सुबह सुबह सम्राट और शमशेरा खा रहे हैं कड़ी पत्ता। गाइस, कड़ी पत्ता ऐसे कोई खाता है? आज तक आपने किसी को ऐसे कड़ी पत्ता खाते हुए देखा है? सम्राट गया बालकनी में, पौधे में से एक पूरा वो पत्ती तोड़ के लाया और देखो पूरा कड़ी पत्ता साफ खत्म। और कल तो इसने क्या किया है मैंने आप लोगों को वो दिखाया भी नहीं है। कड़ी पत्ते के सारे पत्ते तोड़ के इसने ये देखो गाइस, ये सब यहाँ से पेड़ से तोड़ के पूरा पेड़ गंजा कर दिया इसने नीचे फेंके हुए। और अभी वहां से लेके आया तो एक पत्ती पूरी खा गया ये पूरा जो बंच होता है इतना पूरा ये सारा खा गया ये। नहीं शमशेरा, तू उसकी तरह बिगड़ मत। अब वो भी ले आया, दोनों मिलके सुबह सुबह कड़ी पत्ता, मतलब क्या टेस्ट आ रहा होगा कड़ी पत्ते में इन दोनों, ये देखो, कोई बता सकता है क्या टेस्ट आ रहा होगा इस कड़ी पत्ते में इन दोनों को? सीरियसली गाइज, अरे अब तुम इस कड़ी पत्ते के लिए झगड़ा शुरू हो गया। अब उस कड़ी पत्ते के लिए शमशेरा बोल रहा मैं लेके आया हूं, मैं खाऊंगा। ला, तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने खाएगा? रुक जा, भी बताता हूं। टॉयस छोड़ के कड़ी पत्ते के साथ लगे पड़े हैं, बताओ सुबह सुबह। गाइस, बारिश में भीगने के लिए इस लड़के का पागलपन देखो, पूरा भीग गया है। तो मार खाएगा देखो, अब अंदर मत आना, घर के अंदर मत आना। बाहर हो रहा है इतना मजेदार मौसम, ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है। और दोनों भीगने के बाद बैठ गए, मतलब सो गए, बैठे नहीं है एक्चुअली, सो गए। क्योंकि जब भी आप लोगों को पता है ये नहाते हैं तो भी सो जाते हैं। और आज दोनों के दोनों बारिश में भीग गए हैं। ये तो बालकनी से बाहर निकल के भीग रहा था, तो आप देख सकते हो क्योंकि इसका सर भीगा हुआ है। और इसको ले गई, मैं उसको ले गई थी, उसको पॉटी आ गई थी। खाने के बाद वो पॉटी ज़रूर जाता है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं ले जाने वाली थी, अंदर ये करता नहीं है। फिर इसको बाहर लेके गई तो ये बारिश में पॉटी करते हुए भी भीग गया था थोड़ा सा। और इसको देख के ये भी घर से बाहर निकल आया था और इसको लगी थी बहुत ज़ोर से सुसु। इसने 2 से 3 मिनट तक लगातार सुसु करी है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश में मैं ले जाना नहीं चाह रही थी, भीग भी जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और टेक सेल्फीज, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है बारिश में भीगने की वजह से, तो मैं ले जाना नहीं चाह रही थी। लेकिन सुसु करते करते बेचारा कब तक रोकता, ये भी भीग गया था। और अब भीगने के बाद आई है दोनों को चैन की नींद, चैन की नींद सो रहा है हक्कू पुक्कू हमारा। देखो ऐसे खुजली हो जाती है, इसलिए मैं बारिश में ले जा भीगाना इसको पसंद नहीं करती ज़्यादा। खुजी मास्टर हमारा, खुजी मारते अपना टीटू दिखाता है, टीटू ऐसे प्यारे प्यारे टीटू, मैं टीत बड़े प्यारे हैं भाई, छो जाओ भैया के साथ। कैसे सोया है मेरा भालू पैर ऊपर करके, बस भीगने के बाद भाई लोग ये जो सोते हैं ना गाइस, मज़ा ही आ जाता है। ये किधर पड़ा हुआ है मेरे पास, ये भालू पूरे पैर अड़ा रखे हैं अच्छे से टाइट करके दोनों, ये देखो टाइट करे मैं टाइट, नीनू हो रहा है दोनों का। ये जब ऐसे सोता है ना बड़ा फनी लगता है। पहले जब ये छोटा था ऐसे ही सोता था, लेकिन फिर जब ये बड़ा होने लगा, जब इसका साइज बड़ा हो गया ना, तो इसको ऐसे सोने में दिक्कत आने लगी क्योंकि बॉडी का वेट इतना होता है, जब भी ऐसे उल्टा लेटता है तो अपने आप ही गिर जाता है। लेकिन आज बहुत दिनों बाद बहुत देर तक टिका हुआ है, इतनी देर तक टिक नहीं पाता वरना ये ऐसे और मेरे बोलने पर तुरंत पलटता है, आज देखो पलट भी नहीं रहा। सोने देती हूँ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, भी गुस्सा हो जाएगा। ऐसे झगड़ा चल रहा है इन दोनों का देखो, और झगड़ने के लिए बस जब देखो तब मेरे बेड पे आ जाएंगे। हर बार इनको झगड़ा करने के लिए मेरे बिस्तर पे आना है, ये नहीं कि नीचे जाके खेलें बिना बात के। आराम से शमशेरा मेरे पास बैठा हुआ था, सम्राट बैठा हुआ था किचन में, क्योंकि 2 बजने वाले हैं और 2 बजे इनका लंच का टाइम रहता है, तो सम्राट किचन में था। फिर उसे लगा कि मम्मा आ नहीं रही है और शमशेरा को प्यार कर रही है, भागता हुआ आया किचन से, यहाँ आके शमशेरा के आगे बैठ गया मेरे सामने। बस उसके बाद क्या था, फिर झगड़ा तो होना ही था। और बाहर हो रही है सुबह से बारिश, तो इनको बाहर ले जाने दिक्कत आ रही है। नीचे लड़ लो यार, बाकी कुछ भी करो, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़ते रहो सारा दिन, लेकिन नीचे लड़ो जाओ भाई लोग, जाओ तो नीचे लड़ो। ये कौन सा अतरंगी तरीका है इस लड़के का सोने का, पीछे के पैरों से ऊपर सोफे पे लगा रखे हैं। ये देख, ये अतरंगी तरीकों से सोता है हमेशा, पहले उधर मुंह था इसका, घूमते घूमते इधर मुंह हो गया है, कभी पैर ऊपर रखता है, कभी कुछ ऊपर नीचे।
ये देखो ये इधर सो रहे हैं भाई साहब। इस घर में ना एक चूहा आ गया है। एक्चुअली क्या था कि ये वाला मैंने दरवाजा यहाँ से हल्का सा अंदर ठंडी हवा आती है तो मैंने ये खोल दिया था। अब वो चूहा चला गया ऊपर चिमनी के इस पाइप में और वो कब से आवाजें कर रहा है। अब हम तीनों ढूंढ रहे हैं मिलके चूहा, समझे ना, चूहा 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 आ गया घर में, देखो जल्दी कहाँ है शमशेरू चूहा। देखो शमशेरा ऐसे ढूंढता है, उसको चूहा ढूंढने में इतना मजा आता है भाई। शमशेरा चूहा, शमशेरा सम्राट चूहा, वो भी जाके देखिएगा, सम्राट चूहा आ गया घर में। सम्राट को भी इतना नहीं पता बट शमशेरा शुरू से बड़ा रिएक्ट करता है। तो हम तीनों लगे पड़े उस चूहे को भगाने में। अब वो बार बार चिमनी के पाइप में घुस जाता है, पता नहीं कैसे निकलेगा, समझ नहीं आ रहा, और आवाज़ करते रहता है, रात में भी आवाज़ें करता है। दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है, बाहर जाके भी आ गए हैं और मैंने भी खाना खा लिया है। अब हम इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड, और मेरे दोनों बच्चे अब खेलने के लिए रेडी हो चुके हैं तो इनको खेलने देते हैं। हम मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक आप हमें ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइज़।